विकसित भारत अभियान 2047 के तहत शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जल को संरक्षित करने और भूजल स्रोतों की कमी पर चिंता करने आए अतिथियों ने इन विषयों पर प्रकाश डाला। भारत विकसित अभियान 2047 के तहत आयोजित 2 दिवसीय समारोह में श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस मौके पर समारोह में मुख्य अतिथि युवा वैज्ञानिक डॉक्टर रजनीकांत शर्मा उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने जल संसाधन की उपयोगिता को लेकर अपना व्याख्यान दिया। जल संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए भूजल स्रोतों की कमी पर चिंता भी उन्होंने जाहिर की। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ए.के. झा ने विज्ञान दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कुलसचिव पी.के. मिश्रा ने आर्थिक आजादी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विकसित भारत की परिकल्पना की चर्चा की। यह विश्वविद्यालय के डायरेक्टर विकास सुशील चंद्र तिवारी ने भी वैज्ञानिक जागरूकता अभियान को गति प्रदान करने का आह्वान किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्माननीय अतिथि डॉक्टर रजनीकांत शर्मा जी, हमारे श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपति परमादरणीय डॉक्टर ए.के. झा जी, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री पी.के. मिश्रा जी, विभिन्न महाविद्यालय से आए अध्यापक गण, विद्यार्थियों, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी, लेकिन क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के फार्मेसी विभाग में 2 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसकी तारीख भी हमारी इस तारीख से मैच हो रही थी कि उसको 1 दिन आगे हमने बढ़ाया। और आप लोग जैसा सभी जानते हैं कि साइंस डे जो है डॉक्टर सीवी रमन की जो रमन अकेडमी, उन्होंने जो नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था उनकी याद में ही ये साइंस डे हर साल मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है कि साइंस डे में इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत एट द रेट 2047, मतलब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, ठीक उसके 100 साल बाद 2047 का विकसित भारत कैसा होगा, और उसी के ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिशन रखे हुए हैं। मैं इस मौके पर विद्यार्थियों ने विकसित भारत की परिकल्पना को मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसमें चंद्रयान का चलित मॉडल आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें अनुपयोगी उपग्रहों के निस्तापन की प्रक्रिया को भी दर्शाया गया। रसायन और भूगोल बायोटेक्नोलॉजी के भी मॉडल यहां पर प्रस्तुत किए गए। साथ ही पोस्टर प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में विभिन्न महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष की थीम विकसित भारत में स्वदेशी तकनीक को लेकर बहुत ही आकर्षक पोस्टर बनाए गए थे। समारोह में कॉलेज की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी गई। विज्ञान पर आधारित रंगोली परिसर में बनाई गई, जिसे सभी ने सराहा। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री आई.पी. मिश्रा ने आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए वैज्ञानिक जागरूकता जरूरी है, इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। इस मौके पर आभार प्रदर्शन संदीप श्रीवास्तव ने किया। आयोजन को लेकर समिति की संयोजक प्राची निमजे और विश्वविद्यालय के डायरेक्टर विकास सुशील चंद्र तिवारी, कुल सचिव पी.के. मिश्रा ने अपनी जानकारी दी। हमारा द्वितीय वर्ष है इंटरनेशनल सेमिनार कराने का। हमने लास्ट ईयर भी एक ऐसा ही सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। ये हमारा जो मेन थीम है इस बार का, वो इंडिजीनियस जो भी हमारे इन हाउस इंडिया के जो भी रिसर्च वर्क है, उनका डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें हमारी जनता के सामने आना चाहिए, ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति और अपने ज्ञान का विकास कर सके। और हमें भी ये देखना है कि इंडिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हर जगह में विकसित हो रही हैं, बच्चे उनको लेके आगे आएँ और नए नए उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी हो और अपना वो स्वयं का कुछ नया विकसित कर सके अपने भारत
को विकसित करने में अपना योगदान दे। मेरा नाम डॉक्टर प्राची निमजे है और हम लोग भी इस बार साइंस की थीम यही रखे हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे पोस्टर और मॉडल लगे हुए हैं जो कि विकसित भारत को इंडिकेट कर रहे हैं। बच्चों की बहुत सारे नए नए आइडियाज़ हैं, नए नए इनोवेटिव ये मॉडल बना के रखे हुए हैं। आप भी इनको कवर करके सारा बच्चों पर कीजिए कि आगे बच्चे और भी इस पर इंटरेस्ट लें और इस तरीके का आगे प्रोग्रेस लें। विकसित भारत को लेकर ये आयोजन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चेतना जगाने के उद्देश्य से किया गया है ताकि हमारे ज्ञान के जो विद्यार्थी हैं सिर्फ वो किताबी ज्ञान तक ही सीमित ना रहें, वो प्रायोगिक ज्ञान में भी उतरें और शोध के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ें। और हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम वैज्ञानिक तैयार करें, तभी हमारा जो विकसित भारत का अभियान है 2047 का वो पूरा हो सकेगा और यही उद्देश्य। विज्ञान दिवस के अवसर पर आज की यह कार्यशाला आयोजित की गई थी और विकसित भारत 2047 का थीम था जो कि समस्त देश में यह मनाया जा रहा है। 2047 मतलब ये है कि अमृत काल 100 वर्ष पूरे होने के आज़ादी के, उस समय तक भारत कहाँ तक विकसित करेगा और क्या भारत की आवश्यकताएं रहेंगी और उसमें विज्ञान, उसमें भी स्वदेशी विज्ञान जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्वदेशी जो तकनीक है उसका क्या योगदान रहेगा और उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी कार्यशाला थी। और मैं समझता हूँ कि हमारे छात्र, हमारी फैकल्टीज़ और दुर्ग जिले के जो अन्य महाविद्यालय से आए हुए साइंटिस्ट थे उन लोगों ने अपने विचार यहाँ प्रस्तुत किए और विभिन्न प्रकार के मॉडल्स प्रस्तुत किए। यह एक सफल आयोजन रहा। यह दो दिनों तक का आयोजन चलना है, आज प्रथम दिन था, कल साइंटिफिक सेशंस होंगे और मैं समझता हूँ कि इसकी आवश्यकता विकसित भारत को बनाने की अत्यंत है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।